वेलकम टू सचिन चेस ट्रेनर। आज मैं आपको स्मदर मेट पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये गेम पॉल मॉर्फी ने खेली गई है, काफ़ी बेहतरीन गेम है। e4, e5, Nf3, Nc6, Bc4, Nf6, ओपनिंग का नाम है 2 नाइट डिफेंस। d4, e4, शॉर्ट कैसलिन, नाइट कैप्चर e4, रुक e1, पिन टैक्टिक d5, बिशप कैप्चर d5। यहाँ पे पॉल मर्फी ने अपने बिशप को सैक्रिफाइस किया है। क्वीन कैप्चर d5, नाइट c3, फोक टैक्टिक, क्वीन h5, नाइट कैप्चर e4, बिशप e6, नाइट eg5, बिशप b4 काउंटर अटैक है रुक पे। और यहाँ पे पॉल मर्फी ने अपने सेकेंड रुक को सैक्रिफाइस किया है, सेकेंड पीस। रुक कैप्चर e6 चेक, एफ कैप्चर e6, नाइट कैप्चर e6, क्वीन f7, नाइट fg5, क्वीन पे अटैक है, क्वीन टू e7 डिफेंस, क्वीन e2। और यहाँ पे नाइट कैप्चर c7 चेक का थ्रेट है, बिशप d6, c7 पॉन को डिफेंस किया है, नाइट कैप्चर g7 चेक, किंग d7, क्वीन g4 चेक, किंग d8, नाइट f7। यहाँ पे पॉल मर्फी ने अपने थर्ड पीस को सैक्रिफाइस किया है, उन्हें अपने बिशप को डेवलप करना है। क्वीन कैप्चर f7, बिशप g5 चेक, बिशप e7 ब्लॉकिंग, नाइट e6 चेक, किंग c8, नाइट c5 चेक, किंग b8। यहाँ पे ब्लैक किंग d8 नहीं खेल सकते बिकॉज क्वीन d7 से चेकमेट हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है स्मदर मेट पैटर्न। नाइट d7 चेक, किंग c8, नाइट b6 डिस्कवर चेक है, किंग b8, क्वीन c8 चेक। नाउ यहाँ पे पॉल मॉर्फी ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पीस को सैक्रिफाइस किया है, क्वीन को। यहाँ पे किंग कैप्चर पॉसिबल नहीं है बिकॉज नाइट गार्ड कर रहा है। यहाँ पे फोर्स टू रुक से ही कैप्चर करना पड़ रहा है, रुक कैप्चर c8। नाउ नाइट d7 चेकमेट, इस पैटर्न को कहते हैं स्मदर मेट। ये फर्स्ट टाइम पॉल मॉर्फी ने खेला है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।